क्या बात है, क्या बात है, नींद नहीं खुल रही है? उठ जाओ, उठ जाओ, उठो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और मैं एक बार जगी थी क्योंकि काकी आई थी मॉर्निंग 6 बजे ही और काकी ने बेल बजाया। मैंने गेट खोल दिया तो काकी गार्डन एरिया में घास की सफाई करने लग गई और मैं फिर थोड़ी देर लेट गई और जैसे ही फिर मैं लेटी आँख लग गई और फिर बज गए 7। तब तक काकी यहाँ बहुत सारा काम कर चुकी थी, यानी कि बहुत सारे घास जो है निकाल चुकी थी। ये एक दो बारिश की वजह से ना घास बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। एक दिन बारिश हुई और उसी में घास जो है हरा भरा हो गया है। गोली तुम ऐसे क्यों सोए हो मिट्टी में? हाँ, मिट्टी में ऐसे क्यों सोए हो? कल ही ना नहाए हो, गंदे हो जाओगे ना। कल ही नहाए हो ना तुम, देखो मिट्टी कैसे है ना। मिट्टी कैसे खोद के तुम सोए? उठो, उठ जाओ, मिट्टी में नहीं सो, उठो। क्या बात है, क्या बात है, नींद नहीं खुल रही है? उठ जाओ, उठ जाओ, उठो, 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 उठ जाओ। मिट्टी में सो के पूरा गंदा हो जाओगे। उठ जाओ, उठ जाओ, उठो, 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 नहीं उठना। रात भर भों भों करता है, खाली रात भर भों भों करता है। देखो देखो कैसे काटू 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 करता है। मुंडू मारूंगा, मुंडू मारूंगा, काटू काटू करता है, तुम काटू काटू करता है। चलो उठ जाओ, उठो, उठो, दौड़ लगाओ, चलो। नहीं उठोगे? गोली आराम से लेटा हुआ है मिट्टी में क्योंकि मिट्टी में ठंडापन लगता है उसे, इसलिए वो मिट्टी में कभी कभी लेट जाता है। वैसे मैं मिट्टी में ज़्यादा उसे नहीं लेटने देती हूँ क्योंकि वो अंदर मतलब हॉल में और कमरे में भी आता है ना, इसलिए मैं उसको ज़्यादा गंदा मतलब नहीं होने देती हूँ। क्योंकि वो बाहर रहता है तब तो वो जैसे भी रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो अंदर रहता है। और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में चाय बनाने, तो मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया है। ये कप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ना, ये मैं बोकारो से लेकर आई हूँ। तो कप ऐसे तो है बहुत, लेकिन ये थोड़े छोटे साइज में और बहुत ही क्यूट लग रहा था, छोटा छोटा सा साइज है। और इसमें ना ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन इसमें ना चाय जो है कम आता है, तो ये सही है क्योंकि ये मतलब भरा भरा भी लगता है और कम भी चाय इस कारण पी पाता है क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और चाय तो मैं ही ज़्यादा पीती हूँ घर में, और हमारे यहाँ तो कोई आते जाते भी नहीं है जो है ना किसी को चाय, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी के घर नहीं आता जाता है। तो ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना, और अच्छे हैं सब। इसको मैंने ना धो के रख गई, 6 पीस मैं ली थी गली उसके लिए। ऐसे तो कप अलग कई तरह के हैं, देखिए इधर देख रहे हैं ना, इस डिजाइन में भी, इस डिजाइन में कप तो कई तरह के हैं, कप कई तरह के हैं, लेकिन एक साथ किचन में सबको होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उतना स्पेस नहीं होता है किचन में। बस जो थोड़ा बहुत यूज होता है उसी को रखते हैं रेगुलर यूज के लिए, बाकी जो है पैक ही रहता है। जो अगर कोई आए गए मेहमान तो निकलता है, बाकी हमारे यहाँ मेहमान आपने कभी देखा भी नहीं होगा शायद, वीडियो में शायद ही कभी देखा होगा, हमारे यहाँ कोई आते जाते नहीं है। और इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों नहीं आते हैं। वैसे मेरे मतलब आने के लिए तो सभी आना चाहते हैं, लेकिन बहुत तरह की पाबंदी है हमारे घर में आने जाने से किसी को, तो इसलिए हमारे यहाँ कोई ज़्यादा जल्दी नहीं आते हैं। और यहाँ मैंने ना चाय जो है रख दिया है, तो अब मैं सोच रही हूँ पहले ब्रश कर लूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं पहले जगती हूँ तो पहले ब्रश ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो चाची काकी उधर काम कर रही है तो मैं इधर चाय रख देती हूँ, क्योंकि काकी को भी ना चाय का बहुत नशा है। मतलब काकी को भी ना थोड़ी देर हो जाती है ना चाय में, तो पूछ लेती है कि आज चाय अभी तक क्यों नहीं बनाए। तो काकी को भी पता है कि मैं भी चाय पीती हूँ, तो काकी को यहाँ चाय जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। और नहीं भी मुझे पीने का दिल होता है तो भी मैं काकी को बना के देती हूँ। मैं ना सुबह एक बार 4 बजे जगती हूँ अलार्म लगा के, मैं रोज़ सोती हूँ और बेटे को मैं ना फ़ोन करके जगाती हूँ। मतलब वैसे तो वो है अलार्म लगा के सोता है, जग जाता है, लेकिन उसका मतलब थोड़ा ना नींद थोड़ा भारी है, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना क्या पता अगर नहीं जग पाया हो तो मैं ना इसलिए उसको जगा देती हूँ, क्योंकि वो 4 बजे ही जगता है। फिर वो नहा धोकर फ्रेश होता है और
5:45 हाँ 6:45 बस आ जाती है, तो उसे ना 1 घंटा पहले मैं इसलिए जगा देती हूँ, 1 से 1.5 घंटा पहले, ताकि वो ना टाइम से रेडी हो जाए। बाकी वो अब जग जाता है, लेकिन फिर भी मेरे मन में बना रहता है कि क्या पता अभी जग पाया है कि नहीं, तो मैं भी उसे जगाती हूँ। और 4 बजे मैं जगाने के बाद उसे फिर से सो जाती हूँ, इसलिए मुझे ना उठने में देर हो जाती है। और अभी सौरभ नहीं है तो किचन में समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि उसकी फरमाइशें होती थी कि आज ये खाना है आज वो खाना, तो उसी अनुसार मैं बनाती थी ब्रेकफास्ट वगैरह या कुछ भी। लेकिन है ना अभी वो नहीं है, तो बस सिंपल सा खाना बनता है, दाल चावल या रोटी सब्जी, बहुत ही सिंपल खाना बनता है। वो भी नहीं खाया जाता है क्योंकि आपको पता ही है मैं अभी 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 गया है बच्चा मेरा, तो मन मेरा नहीं लगता है। और मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी है फ्रेंड, जिसके कारण होता है ना कि मेरा बस एक जो होता है ना खुश रहने का कारण मेरा बच्चा ही है, और वो भी पास नहीं है तो मन नहीं लगता है। खैर कोई नहीं, उसके फ्यूचर के लिए तो उसको अपने से दूर करना ही था। और इसके बाद यहाँ काकी चली गई थी काम करके, तो मैं करने लगी हूँ प्रेस, और प्रेस करके उसके बाद मैं करने लग गई हूँ पूजा के बर्तन की सफाई। तो पूजा का बर्तन वैसे तो डेली नॉर्मल सर्फ से धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ना 10 या 15 दिन में मैंने एक बार इसको नींबू के छिलकों से, यानी कि एक टुकड़ा नींबू लेकर उसके साथ मैं साफ़ करती हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसमें ना तांबा और पीतल का जो भी बर्तन होता है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप लोग भी फ्रेंड्स है ना ये वाली जो है आइडिया अपना कर देखिएगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं इस बर्तन को, मतलब तांबा और पीतल के बर्तन को साफ़ करने का, लेकिन मुझे जो लगता है कि किचन में सिंपल सबके घर में है ना नींबू होता ही है, तो नींबू है ना एक टुकड़ा मैं निकालती हूँ, काटती हूँ, और उसी से मैं सारा जो है रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बहुत अच्छे से चमक जाता है। वैसे तो मैं पीताम्बरी भी रखती हूँ, लेकिन वो पीताम्बरी होता है ना कि रोज़ अलग से निकाल के करना, तो उसमें ना टाइम लगता है। वो सब है ना जब मैं दीपावली के समय साफ़ करती हूँ ना पूजा का सारा बर्तन, क्योंकि उस समय तो बहुत ज़्यादा होता है बर्तन, तो उस समय जो है उसका यूज करती हूँ। और ये देखिए सारे बर्तन ना कितना अच्छे से चमक गया है। और ये जो आप मेरा जो ये लुटकी देख रहे हैं ना फ्रेंड, इसके अंदर दाग पड़ गया है, तो ये जो है ना रोज़ हम लोग पानी भर के रखते हैं ना पूजा में, वो उसके कारण से दाग पड़ गया है, क्योंकि है ना जो हमारे नल का पानी होता है ना वो बहुत खारा है, जिसके कारण कोई भी बर्तन में रखने से दाग पड़ जाता है। तो यहाँ नहा धोकर मेरी पूजा भी हो चुकी है। ये वीडियो कल का है, यानी कि 22 जून का संडे का। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो मेरी थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद। और यहाँ मैं बना रही थी खीरे और टमाटर प्याज का रायता, तो गर्मियों में ना रायता जो है बहुत टेस्टी लगता है, दही या रायता कुछ होना चाहिए रोटी के साथ, तो मैं वही बना रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा नाश्ते में कर लूँगी और बाकी मैं रख दूँगी। बाकी ये रायता जो है मैं ही ज़्यादा पसंद करती हूँ मेरे घर में, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ और इसे फ्रिज में रख दूँगी, बाकी का रात में मैं रोटी के साथ खाऊँगी। और रायते में ना मुझे तड़का बहुत पसंद होता है, बहुत लोग ना तड़का नहीं डालते, लेकिन मुझे कड़ी पत्ता और सरसों का तड़का रायते में बहुत पसंद है, तो मैं तड़का भी ज़रूर डालती हूँ। और आप लोग भी अगर तड़का नहीं डालते तो कभी तड़का डाल के बनाइएगा फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो अब मैं यहीं करूँगी एंड, और फ्रेंड गर्मी बहुत है, तो अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।